मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने कल अपनी एक और विफल यात्रा का समापन किया। राहुल गांधी ने दो यात्रा की, दोनों यात्रा भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस छोड़ो कांग्रेस तोड़ो साबित हुई। न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए अन्याय यात्रा साबित हुई। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से पूछे चार सवाल। शिवराज सिंह ने कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब पूरा देश भक्ति से सराबोर था। आमंत्रण उन्हें भी मिला, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम का निमंत्रण क्यों ठुकराया? पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उसमें कांग्रेस ने महिलाओं के समर्थन में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या यह आपको तुष्टिकरण की राजनीति नहीं लगता? पीएम मोदी लोगों के दिल में बसते हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी उनके पार्टी के नेता आपत्तिजनक बयान देते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, इसका भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने दो यात्रा की, दोनों यात्रा भारत जोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई, कांग्रेस तोड़ो यात्रा साबित हुई, न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए अन्याय यात्रा साबित हुई। राहुल गांधी जी ने अपनी एक और विफल यात्रा का समापन किया। राहुल जी ने दो यात्राएं की और वो दो यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई, और जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया, जहां जहां से वहां गुजरे कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी। मैं राहुल जी और खड़गे जी से आज चार सवाल पूछ रहा हूं और उनका जवाब चाहता हूं। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब जब संपूर्ण देश आनंद उत्साह और भक्ति से सरोवर था, निमंत्रण उन्हें भी मिला था कि वो सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व में शामिल हो, उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने का फैसला क्यों किया? पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में बहनों और बेटियों के साथ जो अमानुषिक मध्ययुगीन अत्याचार हुए, अन्याय हुए, घिनौने कृत्य हुए, बहनें सड़कों पर उतरी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके समर्थन में एक भी बयान नहीं आया। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, और इससे तो ये अब सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस में अब कोई नेतृत्व नहीं बचा। कांग्रेस की सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ा, जनता के बीच से चुन के जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई, इसका जवाब भी जनता चाहती है, उनको इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।